भारत जब अपनी आंख खोलता है तो शहनाई के उन सुरों के साथ जो आपके मंगल जीवन के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं। आकाशवाणी ने इसे नाम दिया मंगल ध्वनि। जैसे भगवान गणेश के स्मरण के बिना पूजा अधूरी है, उसी तरह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बिना रेडियो का प्रसारण। पंडित नेहरू ने इस वाद्य को मान दिया। आइए हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सुने। वे जब बोलते हैं तो उसमें भी शहनाई की मिठास से मादकता है। कलाकार कोई भी हो, संगीत वाला हो, शायर हो या और किसी किस्म का कलाकार हो, वो उनके जितने भी आइटम होते हैं उनमें अगर सही मानों में उनसे पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि जिंदगी के दो तीन आइटम हुए और बस। सब आइटम होते हैं लेकिन यकीन मानिए यादगार आइटम जो उस कलाकार को याद है वो दो ही तीन निकलेंगे, इससे जाहिर नहीं। उसमें अपना भी है वाकया। वो ऐसा है कि वैसे प्रोग्राम तो किया मैंने बहुत, एक प्रोग्राम ऐसा था जिसके अंदर खाली गाने बजाने के लोग कलाकार ही बैठे हुए थे ज्यादातर। उसमें रईस और हुक्मा सेठ लोग कम थे, गिने चुने लेकिन ज्यादातर उनकी तादाद थी। और वो प्रोग्राम बड़े जोरदार का था बंबई में, बहुत काफी अरसे की बात हो गई, हमारे ख्याल में ये 46-47 ऐसा कुछ था। तो साहब उस प्रोग्राम में मुझे भी दावत दी गई, मैं भी गया, सबके प्रोग्राम हो रहे थे। और उसके बाद सुबह का आइटम था, 8 बजे करीब करीब शुरू हुआ था। तो हमारा हमको कहा एक आध आइटम के बाद लोगों ने कहा खा साहब आप उनका बहुत अच्छा था। तो करीब करीब 10:30 का टाइम था, मैं बैठ गया। तो यकीन मानिए साहब कि उस वक्त कुछ अजीब तमाशा था कि जब मैं बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में टोड़ी थी कि मैं टोड़ी बजाऊंगा, और टोड़ी मैंने बजाया मियाँ की टोड़ी। लेकिन उस वक्त ऐसी टोड़ी बज गई कि मेरे आंख में आंसू था खुद, और पब्लिक में यह हालत थी कि कोई बोल नहीं रहा है लेकिन सब आंख बंद किए मजा ले रहे हैं। उसके बाद नतीजा हुआ कि मरतबा गंधार ऐसी लगी कि बीच में एक ज़ईफ़ा थी, बुढ़ी थी, करीब करीब 70-75 साल, वो चिल्ला के कहने की ये तो अब्दुल करीम खां की आवाज मालूम हो रही है, कौन कहता है कि वो इंतकाल कर गए, वो तो जिंदा है बोल रहे हैं। तो यकीन मान लीजिए उस वक्त वाकई ऐसी हालत हमारी भी थी कि मेरे आंख में आंसू था, और वो यादगार प्रोग्राम था जो आज तक नहीं भूले और कभी नहीं भूलेंगे।